सबसे पहले तो नव दुर्गे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर बनने वाला काले चने का प्रसाद, जो इस तरह से घर में बनके तैयार होता है और बहुत झटपट बनेगा, काफ़ी अच्छा बनके तैयार होगा। मेरे पास कमेंट आया था कि मैं ये प्रसाद बनाकर दिखाऊं, तो चलिए मैं आपको झटपट बनने वाला ये काले चने का प्रसाद बताती हूँ, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए फिर इसको झटपट से बनाते हैं। इसको बनाने के लिए एक और आधा कटोरी मैंने ये चने रात भर भिगोने के लिए रख दिए थे, सुबह मैं अच्छे से वॉश किए और इसको मैं बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। तो ये देखिए, पानी इतना ही लिया है मैंने, इनको 6 से 7 सीटी आने तक इसको बॉईल किया। और इस तरह से चने जब मैश होने लगे तब आप समझ जाएं कि ये रेडी हो चुके हैं। अब चलिए अगले प्रोसेस पूरे करते हैं। ये सबसे पहले मसाला बनाकर रख लें। तो ये 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चम्मच ये हल्दी का पाउडर ले रही हूँ। ये सारा मसाला मैं चने के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। तो चने मैंने 1 और आधा कटोरी लिए हैं, ये मैंने आपको बताया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये मसाले ले रही हूँ। 2 चम्मच मैं इसमें धनिया का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच ये लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। तीखा अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं, वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। और इसके बाद ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो इसको आप सबसे पहले फूलने के लिए ज़रूर रखते हैं। और इसके बाद ही मैं इसमें ये क्रश किए हुए जीरे, तो जीरों को रोस्टेड किया और क्रश करके ऐड कर दिया है। और एक साइड कढ़ाई रखी, कढ़ाई में 1 ही चम्मच तेल डाला और इसमें मैंने जीरे डाल दिए हैं। जब तक जीरे अच्छे से चटकने ना लगे, यानी कि इनका कलर चेंज ना हो, तब तक ये मसाला ऐड नहीं करना है। तो जीरे का कलर चेंज हुआ, मैंने ये मसाला डाल दिया है, यानी कि जो मसाले का घोल बना के रखा था वही डाल दिया है। गैस की फ्लेम मीडियम ही की है और इसको मैं भूनती रहूँगी। जैसे ही मसाला थोड़ा भून के तैयार हुआ, मैंने क्रश किया हुआ इसमें 1 इंच अदरक के टुकड़े को डाल दिया है। आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट नहीं डालना है। थोड़ी देर तक अच्छे से भूनते रहें, जब तक कि मसाला अच्छे से तेल ना छोड़ दे। तो ये देखिए, मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। तो मैंने जो चने बॉयल करके रखे हुए थे वही मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने चने का आधा पानी निकाल लिया है, एक साइड कर दिया है, और आधा ही पानी इसमें ऐड किया है। कई लोग बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं, मैं ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ, फिर भी ये चने बहुत मज़ेदार बनेंगे और जल्दी ही बन जाएंगे, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ। नमक अगर आप चने में डालें बॉयल करते टाइम, तो इसमें कम ही नमक ऐड करें। तो मैं इसमें अभी थोड़ा सा कम ही नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ क्यों। अब मैं इसमें 1 चम्मच और आधा चम्मच ये देखिए गर्म मसाले का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद ही ये तो आपको ज़रूर ही ऐड करना है, आप चाहें तो मसाले के साथ भी ऐड कर सकते थे। अब इसमें मैंने जीरा बन पाउडर डाल दिया है 1 और आधा चम्मच, इसीलिए मैं इसमें ऊपर से खटाई का पाउडर नहीं डाल रही हूँ, यानी कि अमचूर का पाउडर नहीं डाल रही हूँ, ना ही मैं इसमें कुछ और यानी कि चाट मसाला भी ऐड नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ये काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दिया है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा, ये आप ज़रूर ऐड करें। और इसके बाद ही ये मैं नूडल्स मसाला ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, अगर आपके पास ये हो तो ज़रूर ऐड करें, ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसमें चाट मसाले का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, सभी को अच्छे से मिक्स किया और अब मैं इसको ढककर रख दूँगी। बीच बीच में मैं इसको ढकती जा रही हूँ और इसको बराबर से चलाती भी जा रही हूँ। तो इसी तरह से ही आपको ढककर चेक करते जाना है बीच बीच में। तो ये देखिए, ये चने तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। ये देखिए, देखकर कोई बोल ही नहीं सकता कितनी झटपट बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये काला नमक ऐड कर रही हूँ, काला नमक ऐड करने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए आप बाद में ही ऐड करें। बस ये सारे चने तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से ही आपको ये माता रानी का प्रसाद बना के तैयार करना है। तो देखा आपने कितना सरल है, नूडल्स मसाला ऐड करने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार आया है। ये देखिए, ये चने का प्रसाद रेडी हो चुका है। अगर आपको ये पसंद आए तो फिर से कहूँगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके साथ जो सूजी के हलवे का प्रसाद बन के तैयार होता है, उसका वीडियो मैं आपको बाद में ही शेयर करूँगी। तो प्रसाद रेडी हो चुका है, मैं तो बना चुकी हूँ, अब आप भी बना ही डालिए। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।